में लोक निर्माण विभाग द्वारा थाना चौक और अनाज मंडी गेट के पास स्थित जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में भारी रोष भी देखा गया। दुकानदारों का कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें पहले इस कार्रवाई के बारे में सूचना देता तो वे खुद ही अपनी दुकानों को यहाँ से बदल लेते। पीडब्ल्यू वाले आए जी, अरुण हमारा सामान तोड़ फोड़ करे जी, कोई नोटिस नहीं आया जी हमारे पति को लेकर जी। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जी, कोई हमारा खेती पे आने जी, कोई बाड़ी है हमारे पति, यही हम कारोबार है जी, और कोई कारोबार नहीं है जी। कितनी दुकानों में तोड़ फोड़ करी? 5-6 दुकान ना करी जी, यार इनके भी करे जी बेचारों की बाकी होगी जी, अब कोई काम ही नहीं करते जी बाबा। ठीक, इनका भी जी बहुत नुकसान करे जी। पुलिस वाले ने जी मेरे से साला कहे जी, गाली गलौज करी। हाँ जी, साला कहे जी पुलिस वाले ने, मैंने फिर भी उसके बेतन मेरे से साला क्यों कहा जी। हम 40 साल से MEC जी के यहाँ पर रह रहे हैं, हम बागड़ी लवा रहा, गड्डियाँ वाले हमारे घर बार सब इन्हें आटा फूल, हमारे बच्चे ले कम जावा कहाँ, ना अपनी जगह है, ना रहने का मकान है, कोई भी नहीं है, ये कहाँ ठिकाने पर, किसके ठिकाने पर हम गिरा। कोई नोटिस नहीं दिया तुम्हें? नोटिस कुछ नहीं दिया जी हमारा से। सारा सामान तोड़ दिया? सारा सामान तोड़ दिया जी, तोड़े पड़े मौके पर सारा सामान देख लो, हमारी बोट, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब हमारे मजबूत था। ये क्या चाहते हैं आप? हम यूँ चाहते हैं, हमें या तो जगह दे दो, या चाहे हमने यहाँ पड़े रहने दो, जो हमने जगह दे दो या हमने बसा दो। ठीक, तो मेरे को मैंने टेलीफोन करके से बात करी है, उन्होंने कहा भी PWD की जगह है, वो PWD वाला कोई आया था, वो सड़क बनाने लग रहे हैं, उनका जितना एरिया है उसको वो खाली कराना चाहते हैं, लेकिन अभी वहाँ ये बसे रहेंगे ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार की जो नीति है हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी की, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की, बहुत सारी जातियों को जो घुमंतु हैं उनको बसाने के लिए करनाल में भी घोषणा की, अनेक जगह घोषणा की, यार इनको बसाएंगे। अभी 13 तारीख की बैठक है, उसमें इनके पहचान पत्र बनाकर कहीं ना कहीं इनको स्थापित करें। अब क्या आश्वासन दिया जिनको, जैसे इनको जहाँ बैठे हैं बैठेंगे। अचानक हुई इस कार्रवाई से उन्हें दुकानों के लिए स्थान निर्धारित करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।